Okay, let's start the chapter construction. तो ये ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन चैप्टर है. अब सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास आता है वो है डिवाइड ऑफ ए लाइन सेगमेंट, कि एक लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिवाइड करेंगे. ओके, तो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूं कि आपके पास एक लाइन है वो 8 सेंटीमीटर की है. कितने सेंटीमीटर की? 8. इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी. ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है. आपको इसको डिवाइड करना है और विद इन द रेशियो 3:4 आपको 3:4 में इस लाइन को डिवाइड करना है. तो बच्चों इसके वैसे तो कई तरीके हैं इसको डिवाइड करने के, बट अब एक तरीका आप समझो 3:4 में डिवाइड करने के लिए. टोटल पहले आप इसके 3:4 दिया गया है, मतलब 3+4 मतलब कि 7 पार्ट कर लो. कितने पार्ट? 7 पार्ट. सॉरी, 3+4 इक्वल टू कितने पार्ट? 7 पार्ट. 7 पार्ट करने के लिए आप स्केल लीजिए और स्केल से किसी भी एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए. ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ली है, ये है रे. क्या है ये? रे. क्योंकि ये एंडलेस है इसलिए आपने ये रे ड्रॉ कर दी. अब आप अपने कंपास में एक आर्क भरिए और इस पर 7 आर्क काट दीजिए. तो नंबर 1 आर्क, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7. 7 आर्क आपने काट दिए. पहली वाली पोजीशन का नाम x1, फिर x2, फिर x3, x4, x5, x6 और लास्ट में x7. आप में से किसी ने स्केल रखा है? ओके, अब क्या करिए कि आपके पास जो ये 7th पॉइंट है इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए. तो आपने इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ आके थोड़ा सा टिल्ट हो गया, मेरा गड़बड़ बन गया है. ये आ करके इसमें डायरेक्टली टच हो जाएगा, हो जाएगा, ये इसमें हो गया. अब बच्चों आपको देखो 3:4 चाहिए है, मतलब 3 पार्ट एक तरफ लाइट लाइन के और 4 पार्ट एक तरफ. तो आपको इस तरफ चाहिए है 3 पार्ट और इस तरफ चाहिए है 4 पार्ट. क्लियर हो रहा है? तो आपको 3 पार्ट उठाने हैं. तो सबसे पहले आप ये वाला एंगल मेजर करिए. अब कैसे मेजर करेंगे? देखिए आप कंपास ले लीजिए और कंपास से आप यहाँ पर रख करके कंपास का निडल इस पॉइंट पे रखेंगे और कोई भी रेडियस लेकर के एक आर्क घुमा दीजिए. घुमा दिया आपने आर्क, ये रख करके आपने आर्क घुमा दिया. सेम रेडियस यहाँ पे ले जाइए 3 पे रख के और घुमा दीजिए. तो 3 पे भी रख के आपने घुमा दिया, घुमा दिया. देखिए पहले 7 पे रख के घुमाया, 3 पे निडल जो सुई होती है ना, सुई रखेंगे तो यहाँ पे अपने आप पेंसिल चलेगी. ओके, फिर क्या करिए कि आप इसको मेजर करिए. ये वाली चीज किससे? एक होता है आपके पास डबल माउथ है जिसमें 2 सुई होती है ना, उससे आप इसको मेजर करिए और जितनी लेंथ ये मेजर करिए आपने उतनी लेंथ इस पे काट दीजिए. कैसे काटेंगे? यहाँ पे रखेंगे एक निडल और यहाँ पे आएगी दूसरे निडल. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? देखो फिर से मैं बताता हूँ. पहले आप कोई भी रेडियस ले लो, एक सर्कल, आधा सर्कल बना दो. फिर उसके बाद उस आधे सर्किल के बाद ये वाला पार्ट मेजर करो. पहले वो सर्किल यहां भी बनाओ, हाफ सर्किल, फिर ये पार्ट मेजर करो, ये पार्ट इस पे कट कर दो. तो ये पार्ट कट हो गया, ये पॉइंट आ गया और इसको इससे क्या कर दो? ज्वाइन. तो ये हो जाएगा 3 पार्ट और ये हो जाएगा 4 पार्ट. आया समझ में? तो ऐसे आपको लाइन को ज्वाइन करना है. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 3:4 में आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं. क्लियर है? यस सर. उत्कर्ष आ गया समझ में? यस सर. तो इस तरीके से आपको इसको स्टेप में लिखना होता है. हाँ, इसको स्टेप में लिखना पड़ता है. तो वो तो बन जाएगा आपसे, नहीं बनेगा? ड्रॉ ए लाइन ए बी, टेक एन आर्बिट्ररी लाइन एट एनी एंगल रे ए एक्स, इसका नाम क्या ले लो? ए एक्स. कट द 7 पार्ट x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 ऑन 8. समझ में आया? इस पे काट कर दो. ओके, फ्रॉम ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम ज्वाइनिंग फ्रॉम x7 टू बी. ओके, पैरेलल टू x7 टू बी टेक ए लाइन ज्वाइन ए लाइन x3 दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन. ओके, ऑन द लाइन ए बी
गिव दिस पॉइंट नेम एम. नाउ ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी विल बी इक्वल्स टू हाउ मेनी, 3:4. आ गया समझ में, बन जाएगा, कोई डाउट? इस तरीके से ही आपको करना पड़ेगा. ओके, क्लियर है ना? अच्छा, एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का, बट वो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं उसको अभी यहाँ पे नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक ना? एक और तरीका, बट उसको रहने दो. चलो, अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन था कि लाइन को ब्रेक करना. दूसरा है ड्राइंग ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल. दूसरा पार्ट क्या है? ड्राइंग ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल. ओके, सेकेंड पार्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. एक आपको सिमिलर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना है, तो आप इसको कैसे करोगे? देखो, सिमिलर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना है. अब जैसे फॉर एग्जांपल, सिमिलर ट्राइंगल में दो तरीके के ट्राइंगल्स हो सकते हैं, एक तो बड़ा ट्राइंगल और एक तो छोटा ट्राइंगल. तो बड़ा ट्राइंगल भी बन सकता है, छोटा ट्राइंगल भी बन सकता है, बट कैसे बनाएंगे? बड़े ट्राइंगल में एक बात होती है जिसको बोलते हैं स्केल फैक्टर. क्या बोलते हैं? स्केल फैक्टर. स्केल फैक्टर. स्केल फैक्टर मतलब कि दिए गए ट्राइंगल के कंपेरिजन में जो बनने वाला ट्राइंगल है वो कितने गुना बनेगा. जैसे मान लो स्केल फैक्टर दिया है 3/2, तो 3/2 डिवाइड करने पर कितना आएगा? 1.5. मतलब जो आपका ट्राइंगल बनेगा वो 1.5 टाइम्स बनेगा आपके ओरिजिनल ट्राइंगल का. कितना बनेगा? 1.5. अब एक बात मैं आपको सिंपल बता दूं कि अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी होगी तो आपका ट्राइंगल बड़ा बनेगा. जैसे 3/2, तो 1.5 मतलब ट्राइंगल बड़ा बनेगा. और अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, तो ट्राइंगल छोटा बनेगा. जैसे 3/4, तो जो ट्राइंगल आपका बनेगा, देखो नीचे 4 है ना, तो ट्राइंगल आपका क्या बनेगा? छोटा बनेगा. क्लियर हुआ? चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं. जैसे ये मेरे सामने क्वेश्चन है अपने पास कि ड्रॉ ए ट्राइंगल ए बी सी विद साइड बी सी इक्वल टू 6, ए बी इक्वल टू 5, एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री, देन कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल हूज साइड्स आर 3/4. 3/4 मतलब बताओ छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? छोटा बनेगा, क्योंकि 3/4 1 से छोटा होगा. मतलब जो आपका ट्राइंगल आएगा वो क्या बनेगा? छोटा बनेगा. क्लियर हुआ? तो आपको 3/4 साइड्स का ट्राइंगल निकालना है. क्लियर है ये बात? थैंक यू. तो देखिए, सबसे पहले आपको ट्राइंगल की साइड्स दी गई हैं. तो एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं BC. ये BC आपने बना ली कि BC इक्वल टू 6. BTC इक्वल टू कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर का आपने BC बना लिया. AB इक्वल्स टू 5 है, मतलब B से लेके A 5 है, बट एंगल ABC 60 डिग्री है. मतलब पहले B की तरफ 60 डिग्री का एंगल बनाओ. तो प्रोटेक्टर से रख करके या कैसे भी, और भी तो तरीके ना 60 डिग्री बनाने के. कैसे? एक सर्कल बनाया जाता है, इसको तीन पार्ट में तोड़ा जाता है, याद आया? तो जो पहला पार्ट जाता है वो कितने डिग्री का होता है? 60. तो 60 डिग्री की एक रे खींच दो, इसका नाम x ले लो या y ले लो. अब इसमें ABC में AB कितने सेंटीमीटर है? 5. तो इसमें लेंथ 5 नापो और 5 सेंटीमीटर यहाँ पे काट करके ये A बना दो. तो ये मिल गया आपको A. सो AB इज हाउ मेनी सेंटीमीटर? 5. और इसको इससे जोड़ दो. तो ये तो 9th क्लास तक का काम है ट्राइंगल बनाना, समझ गया ना? ये ट्राइंगल बनाना आपने 9th क्लास में सीख रखा है. अब इसके बाद अपन को चाहिए है इसके ऊपर 3/4, मतलब इससे छोटा ट्राइंगल. 3/4 एक्चुअली कितना होता है? 75%. कितने परसेंट होता है? 75% ट्राइंगल इससे छोटा बनेगा. तो देखो कैसे करोगे. 3/4 छोटा बनाना है ना, छोटा बनाना है तो टोटल इसमें बड़ा पार्ट क्या है? 4. बड़ा पार्ट क्या है? 4. देखो 3/4 को ऐसे समझो, 3/4 मतलब 1/4 के 3-fold. 1/4 के कितने फोल्ड? 3-fold. चलो देखो, यहाँ पे एक लाइन ले लो आर्बिट्री, ये आपने एक आर्बिट्री लाइन ले ली और इसके चार पार्ट कर दिए. फर्स्ट पार्ट x1, सेकेंड पार्ट x2, थर्ड पार्ट x3 एंड फोर्थ पार्ट x4. चार पार्ट कर दिए. क्लियर है? ठीक है, तो फोर्थ पार्ट आपने क्या ले लिया? x4. अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इस लास्ट वाले पॉइंट को आप x4 से ज्वाइन कर दो. ये ज्वाइन कर दिया. क्यों ज्वाइन कर दिया? क्योंकि आपका छोटा ट्रायंगल बनेगा, मतलब इससे बाहर नहीं जाएगा. अब आपको देखो 3/4 पार्ट उठाना है.
मतलब देखो वन बाई फोर कितनी लंबी ले सकते, ये तो कितनी भी ले सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मार्क डिस्टेंस कैसे करेंगे? अपने मन से कोई भी चार पार्ट, अपने मन से कोई भी लेंथ, बट एक बार जो आपने भर लिया लेंथ किसमें, कंपास में, वो बार बार चेंज नहीं करना। तो पहले इधर मारा, फिर उसी को लेके इधर मारा, फिर उसी को लेके इधर, फिर उसी को लेके इधर। क्लियर हुई मेरी बात? समझ में आई? ये हो गया। एंगल भी कोई ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि कोई भी एंगल ले सकते हो, एक्यूट एंगल कोई भी ले सकते हो ना, कि यहां ले लिया यहां ले लिया, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखो फोर्थ पे आपने बाउंड्री जोड़ दी, अब आपको थ्री फोर चाहिए, मतलब वन बाई फोर्थ का थ्री पार्ट, ये वन बाई फोर्थ का वन पार्ट, टू पार्ट और ये थ्री पार्ट। आपको यहां से एक लाइन बनानी है बट इसके पैरेलल बनानी। तो पैरेलल लाइन बनने का वही तरीका, पहले ये आप यहां पे कर दो, बना दो ऐसे ही उसी रेडियस का लेकर के यहां पे कर दो, फिर ये मेजर करो और इसके ऊपर कट करो। समझ में आ रहा है? ये मेजर किया कहां से कहां तक, एक्स थ्री कहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक की चीज मेजर करी आपने। होता है ना डबल राउंडेड, डबल हेडेड होता है ना आपके पास, तो एक यहां पे रखा और एक यहां पे रखा, तो दोनों पिन की लेंथ ली और दोनों पिन की लेंथ आपने कहां पे काट दी, यहां पे काट दी, और इसको ज्वाइन करते हुए ये आपको मिल गई इसके पैरेलल लाइन। क्लियर है? ये इसके पैरेलल लाइन मिल गई। तो ये है बी, ये है सी, ये आपको मिलेगा सी डैश। क्या मिलेगा? सी डैश, ट्रायंगल का कोना। अब देखो, अब सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल में एंगल सिमिलर होते हैं। ये एंगल कितनी डिग्री है, जो भी जितनी भी डिग्री है, आपको इसी एंगल को यहां पर बनाना है। तो वही तरीका है, यहां पर अपनी एक पिन रखो और ये कंपास की पेंसिल से लेकर के एक रेडियस आप इसको घुमा दो ऐसे करके, है ना। तो आपने एक रेडियस ये घुमा दी, सेम टू सेम उसी रेडियस का आर्क आप यहां पे लगा दो, ये घुमा दिया, फिर ये लिया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यू टू ये, हां से यहां से लेके यहां तक देखो, लेंथ है ना एंगल का, उत्कर्ष लेंथ है ना एंगल का, ये लेंथ ऑफ एंगल है और यहां पे भी ये लेंथ ऑफ एंगल, कट कर दी, कट कर दी और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ये आपका बन गया इसका थ्री फोर्थ ऑफ ट्रायंगल। क्लियर हुआ? जिसका नाम है, इसका नाम हुआ ए डैश, ये हो गया बी और ये हो गया सी डैश। तो फाइनली आपके पास ट्रायंगल आ गया ए बी सी डैश, जो कि गिवन ट्रायंगल का कितना होगा, थ्री फोर्थ। कितना होगा? थ्री फोर्थ। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ही अपन को छोटा ट्रायंगल बनाना आता है, ठीक है ना। अब एक बड़ा ट्रायंगल बना रहे हैं जो होगा फोर्थ, फोर बाई थ्री। क्या होगा? फोर बाई थ्री, ठीक ना, फोर बाई थ्री, जिसका स्केल फैक्टर क्या होगा, फोर बाई थ्री। चलिए फोर बाई थ्री वन से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। फोर बाई थ्री क्या कह रहे हैं आप? वन से बड़ा है, मतलब इसमें बड़ा ट्रायंगल बनेगा। तो सपोज आपको ट्रायंगल ये दिया हुआ है, ये आपको ट्रायंगल दिया हुआ है और इसका फोर बाई थ्री ट्रायंगल बनाना है आपको। समझ गए ना? फोर बाई थ्री, फोर बाई थ्री कितना बड़ा है, यदि कभी कंफ्यूज हो रहे हो तो देख लेना। फोर बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड कर लो, तीन से कितने बार जाएगा, सेवेंटी फाइव, नहीं 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 थर्टी थ्री है ना, तो लगभग कितना आएगा, 120 के आसपास आएगा। 120 बारह, बारह दो चौदह, 142, ओके, तेरह, सॉरी 132, समझ में आया ना। मतलब 100 की जगह 132, मतलब करीब 32% बड़ा ट्रायंगल बनेगा। तो बनाते हैं अपन, देखो इसको। सबसे पहले देखो 4/3 है ना, तो चार पार्ट कर दो इसके। एक मिनट बेटा, चार पार्ट, ये चार पार्ट आपने काट दिए किसी भी एंगल पे, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री और एक्स फोर। ट्रायंगल तो बाहर जाएगा ना, मतलब एक्स फोर लास्ट वाले में आके मिलेगा। आप इसको कहां पर पैक कर दो, इन दोनों में छोटा कौन सा है, थ्री, छोटा कौन सा है, थ्री, तो आप इसको थ्री पे पैक करो, या आपने इसको थ्री पे पैक कर दिया, पैक कर दिया थ्री पे। फोर बाई थ्री का मतलब क्या होता है, वन बाई थ्री के कितने पार्ट, फोर पार्ट, वन बाई थ्री के कितने पार्ट, फोर पार्ट। अब देखिए इसको, लाइन को थोड़ी सी आगे बढ़ा दीजिए, या आपने इसको आगे बढ़ा दी, लाइन को आपने वही लाइन आगे बढ़ा दी। अब ये जो एंगल है वही नापो, काटो, जोड़ो, ये एंगल आपने यहां पे बनाया, मेजर किया, कट कर दिया और इसको ले जाके यहां से मिला दिया। देखिए बड़ा ट्रायंगल भाई, बेस दिख गया आपको, ये है बी, ये है सी और ये क्या होगा, सी डैश। क्या होगा ये? सी डैश। ये आपके पास हो गया सी डैश। तो ये बड़े ट्रायंगल का बेस हमको मिल गया बी सी डैश।
मिल गया बी सी डैश। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो एंगल है यही एंगल यहाँ पे प्लॉट करना है। तो फिर से वही तरीका, एक रेडियस ले लो, एक सेमी सर्कुलर आर्क बना दो। तो ये आर्क यहाँ पे बनाया, सेम रेडियस का लेके ये आर्क यहाँ पे बनाया, ये लेंथ ली और इसके ऊपर कट कर दी। तो ये लेंथ लेके इसके ऊपर कट कर दिया और ये एक लाइन यहाँ से दोनों के से जाने दो अपने मन से, और इसको आप थोड़ा सा आगे आके बढ़ा दो। तो ये बन गया आपके पास नया ट्रायंगल ए डैश बी और क्या सी डैश। ये आपका फाइनल ट्रायंगल है जो सबसे बड़ा होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है? यस। अब करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट। अब क्या कर रहे हैं हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट। देखिए कैसे हम टेंजेंट करते हैं। अब जैसे टेंजेंट में बोला जाएगा एक सर्किल बनाओ जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। तो सर्किल तो आप बना लोगे 4 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत होगी क्या उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल ले लिया, आपको बोला जाएगा आप बाहर एक पॉइंट है जो कि सर्किल के सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो 4 तो ये हो गए, तो बाहर 10 कब होगा? जब बाहर की लेंथ कितनी होगी? 6। तभी तो 6 और 4 क्या होंगे? 10। तो बाहर एक पॉइंट ले लो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, या आपने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट ले लिया। देखो अंदर है 4 और बाहर कितनी? 6। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 10। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ। तो ये आपने एक पॉइंट ले लिया P, आपको इससे इस सर्कल पर टेंजेंट खींचना है, समझ गए? तो क्या करो, सबसे पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। क्या बनाओ? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या करते हैं, आधे से ज्यादा लेंथ लेते हैं एक आर्क ऊपर, तो हाफ से ज्यादा लेंथ ले ली, एक आर्क ऊपर मारा, एक आर्क यहां से, एक आर्क यहां से मारा और एक आर्क यहां से। बोलो यस। दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये मिल गया आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अब आप क्या करिए, M से लेकर के इसकी रेडियस ले लीजिए यहां तक, चाहे P से लेके M ले लीजिए या चाहे तो M से लेके O ले लीजिए, दोनों क्या होंगी? बराबर, क्योंकि ये क्या है? बाइसेक्टर है। अब M को सेंटर मान करके और ये रेडियस मान करके एक सर्किल बना दीजिए। तो M को सेंटर मान करके और ये रेडियस मान के आपने एक सर्किल बनाया, बन गया सर्किल? बन गया कि नहीं बना? ये आपको दो पॉइंट मिल गए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इन्हीं पॉइंट से आपकी टेंजेंट जाएगी, जोड़ दीजिए। तो ये हो गई पहली टेंजेंट और ये हो गई आपकी दूसरी टेंजेंट। थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं बना है, ठीक ना? तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ फटाफट, करना क्या है, एक सर्किल बनाना है जो इसकी रेडियस दी हो ले लेना है, फिर इसके बाहर वो पॉइंट ले लेना है। मान लो ये 4 का है, ये कितने का है? 6 का। ये लाइन बोला होगा बाहर पॉइंट 10 सेंटीमीटर पे है, तो ये 6, ये 4 का है तो इधर कितना होगा? 6। क्लियर नहीं क्लियर? अरे 10 सेंटीमीटर है बाहर पॉइंट, तो ये 4 सेंटीमीटर की रेडियस, तो पॉइंट बाहर कितना बैठेगा? 6। ठीक है ना? फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, तो वही लेकर के ये ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट हो गया M, M पॉइंट की O पॉइंट से रेडियस ले लो और क्या खींच दो? सर्किल। तो M पॉइंट की O पॉइंट से रेडियस लेके एक सर्किल खींच दो, ये सर्किल पॉइंट P से भी जाएगा, समझ गए? ये सर्किल खींच दिया, कितने पॉइंट मिल गए? एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो इससे P से। तो एक ये ज्वाइन किया, एक ये ज्वाइन किया, ये आपके पास बन गई टेंजेंट। क्या बन गई? टेंजेंट। ठीक है ना? बस इतने ही पॉइंट हमारे कंस्ट्रक्शन चैप्टर में है, इन्हीं को आप करके जाइए, इसी में से एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। क्लियर हुआ ये सब कुछ? यस सर।